वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आपसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। देखो, आईसीएसई बोर्ड ने अभी कितना पहले ही, बहुत टाइम पहले ही, आपका आईसीएसई क्लास 10 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी बच्चों का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। बहुत कह लो बहुत जल्द रिलीज कर दिया गया। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर भी आईसीएसई बोर्ड ने आप सभी का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इतना पहले आपको बता दिया। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अब आपको आइडिया मिलेगा कि आखिर आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपका पेपर आपसे किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आप बच्चों से पूछे जाएंगे। तो आपका आईसीएसई क्लास 10 का मैथ्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही बाकी सभी सब्जेक्ट्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बोर्ड द्वारा बच्चों को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप उनको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उनको डाउनलोड करने का को कैसे डाउनलोड करें इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में आईसीएसई बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आज के पहले यानी 2024 में, 2023 में जो भी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया करते थे, उनका सॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा हमें नहीं मिलता था। उनका सॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा आपको नहीं मिलता था, बस आपको पेपर दिया जाता था। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या किया है कि सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी आप बच्चों को प्रोवाइड किया गया है। आप देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसी में लास्ट में आपको एक पीडीएफ दिया गया है इसमें अटेस्ट करके, जिसमें इसका सॉल्यूशन भी है। खैर, उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट आपको इसका हिंट मिल जाएगा, हिंट में इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इस सिंपल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और क्या कुछ आपको अपना एग्ज़ाम में कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए इस सिंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस सिंपल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे बैंकिंग से पूछ लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपसे सर्कल और सिमिलैरिटी दोनों को मिक्स करके पूछा गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सर्कल से है। पाँचवा क्वेश्चन आपका किससे है, हाइट एंड डिस्टेंस है। साठवां क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट फॉर्म का है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। ठीक है, देखो आप लिखा भी गया है एप्लीकेशन बेस्ड, एक क्वेश्चन आपको दिख गया। एनालिसिस बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिख गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में जो टोटल 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन बेस्ड आ गया, एक एनालिसिस बेस्ड आ गया। ठीक है, अगला जो हमारा है, ठीक है देखो, अगेन हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे आपको कैटेगराइज करके भी दिया गया है। आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि एनालिसिस वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कितने मार्क्स के आएंगे, क्योंकि इस बार के पेपर पैटर्न को चेंज किया गया है और 25% क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलने वाले हैं, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जो एनालिसिस टाइप के हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएशन पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, थोड़ा जिनका जो थोड़ा सा समझने में कह लो मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका पेपर है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। बहुत जल्द इसका एक डिटेल डिस्कशन, यानी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये भी आपका एनालिसिस एंड इवेल्युएशन पे है या अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस पे है, तो काफ़ी डिटेल में आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में ही बता दिया गया है। ठीक है, तो इसका डिटेल डिस्कशन आप बच्चों के साथ किया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तो दिया ही दिया गया है, लेकिन मैं भी इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँगा बहुत जल्द। ठीक है, तो ये आपका देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पिछले साल से, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बस आप प्रैक्टिस सही से करो, सही से प्रैक्टिस पर फोकस करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख लें एक बार, मैं दिखा दे रहा हूँ। बहुत जल्द इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। डिटेल डिस्कशन का मतलब क्या है कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा आपका मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है, कौन सा आपका मिनिमम स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी का एक डिटेल्ड वीडियो आप बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं सभी सब्जेक्ट की कोशिश करूँगा, फिलहाल हम लोग मैथ्स का सबसे पहले कर रहे होंगे। तो ये आपका कह लो डिटेल दिस पेपर है और इसका सॉल्यूशन भी इसमें दे रखा है, आप इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बाकी बहुत जल्द हम लोग इस पेपर का एक डिटेल डिस्कशन भी कर रहे होंगे। थैंक यू। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।